स्टेशन रोड पुलिस थाने पर पदस्थ महिला एसआई कविता सोलंकी ने आज सुबह अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कविता को बुधवार दोपहर को जहर खाने के बाद एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। अधिक उम्र हो जाने के बावजूद विवाह नहीं होने की वजह से डिप्रेशन में थी। रतलाम की 34 वर्षीय महिला एसआई कविता सोलंकी ने बुधवार दोपहर करीब 1 बजे हाकिमवाड़ा रोड स्थित रंजीत पुलिस लाइन में अपने सरकारी आवास में सल्फास की गोली खा ली थी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसने थाने पर फोन लगाकर एक हेड कांस्टेबल को तबीयत खराब होने की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर थाने के कुछ कर्मचारी उसके घर पहुंचे और उसे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन गुरुवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। जिला चिकित्सालय में मीडिया कर्मियों से चर्चा में एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि मृतक एसआई के मृत्यु पूर्व कथन कराए गए थे, जिसमें उसने सल्फास खाने की बात बताई थी। पुलिस को उसके घर से माता पिता को लिखा एक पत्र भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही है और इससे वह जीवन में पूरी तरह निराश हो चुकी है। इसी वजह से वह अपने जीवन का अंत कर रही है। मंदसौर जिले के सीतामऊ की रहने वाली कविता वर्ष 2017 में पुलिस की सेवा में आई थी। वह जिले के विभिन्न थानों पर पदस्थ रह चुकी थी और 16 फरवरी 2021 से स्टेशन रोड थाने पर पदस्थ थी। मृत्यु के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और उसका शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। बताना चाहूँगा कि रतलाम जिले में थाना स्टेशन रोड पे सब इंस्पेक्टर कविता सोलंकी 2017 से पोस्टेड थी। 2017 बैच की सब इंस्पेक्टर रहेंगी। ये 3 जुलाई से अवकाश पे थी। कल इनको अवकाश से आमद देनी थी, जहाँ पर इन्होंने अपने आवास पे आने के बाद एक आरक्षक को फ़ोन करके अवगत कराया कि उनकी तबीयत खराब लग रही है, उन्हें उल्टी हो रही है, उनको अस्पताल ले जाना है। इस सूचना आरक्षक ने अधिकारियों से साझा की। तत्काल थाना प्रभारी सीएसपी सब लोग पहुँचे और इनको अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ इन्होंने स्वयं के द्वारा सल्फास खाना बताया। वहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष इनका DD कराया गया और जिसमें भी उन्होंने स्वयं के द्वारा सल्फास खाना बताया। और इसके बाद इनके घर में भी सुसाइड नोट मिला, जिसमें इन्होंने अपने माता पिता के लिए पत्र लिखा है कि इनकी उम्र हो गई है 35 साल की, लेकिन अभी तक शादी नहीं हो रही है, जिसके कारण वो काफ़ी डिप्रेशन में है और ज़िंदगी से परेशान होकर वो सल्फास खा के आत्महत्या कर रही हैं। इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है, तो इस तरह का पत्र मिला है और उसी सल्फास खाने से आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई की जाएगी सुसाइड नोट के आधार पर? अभी तक अभी तक कोई तथ्य नहीं है किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का। ये तो डिप्रेशन की शिकार थी, ऐसा लेटर में लिखा हुआ है। जांच के दौरान अगर कोई नया तथ्य आता है तो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो सुसाइड का मामला है। डिप्रेशन और अपनी शादी न होने के कारण ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है।